తెలంగాణలో పరపాటన కాంగ్రెస్ కు అవకాశం ఇస్తే భారాస సర్కార్ మాదిరే అవినీతి ప్రభుత్వమే వస్తుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆరోపించారు. కామారెడ్డి మహేశ్వరం నియోజకవర్గాల్లో భాజపా అభ్యర్థులకు మద్దతుగా నిర్వహించిన సభల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. బీసీలు ఎస్సీలు యువతను ఆ రెండు పార్టీలు మోసం చేశాయని మోదీ దుయ్యబట్టారు. భారాస నేతలకు డబ్బు కావాలంటే కొత్తగా సాగునీటి ప్రాజెక్టులు నిర్మిస్తారని విమర్శించారు. తన మాటే ఓ గ్యారంటీ అన్న మోదీ భాజపా అధికారంలోకి రాగానే బీసీని సీఎం చేస్తానని స్పష్టం చేశారు. बीआरएस की सरकार ने यहां पर अनेक सिंचाई योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन ये योजनाएं बीआरएस के लिए उनका एटीएम बनकर रह गई. जब भी किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो लोग पैसा निकालने के लिए एटीएम के तक जाते हैं, लेकिन जब बीआरएस को पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये लोग एक नई सिंचाई स्कीम की घोषणा कर देते हैं. परियोजनाओं की लागत बढ़ती जाती है, लेकिन न कोई प्रोजेक्ट पूरा होता है न ही कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है. तेलंगाना के विकास का पैसा बीआरएस को चलाने वाले परिवार की जेबों में जा रहा है. तेलंगाना एक युवा राज्य है. मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तेलंगाना जैसे युवा राज्य को सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा युवाओं की विरोधी, युवाओं की दुश्मन ऐसी सरकार मिली है. सालों से हमारे जो हजारों युवा टीएस पीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके साथ बीआरएस की सरकार ने धोखा किया है. इसके अलावा इन लोगों ने एजुकेशन सेक्टर के भी पूरी तरह से उपेक्षा की है. और साथियों, कांग्रेस का नौजवानों के प्रति रवैया किसे पता नहीं है. कांग्रेस शासन के नकारेपन के कारण ही तेलंगाना आंदोलन के हजारों नौजवानों ने अपनी जान गंवाई थी. कामारेड्डी की जनता को, इन दोनों दलों को रिजेक्ट करना ही चाहिए. बीआरएस के सीएम और तेलंगाना के अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों ही कामारेड्डी से चुनाव लड़ रहे हैं. साथ ही ये लोग दूसरे क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं. ये दिखाता है कि ये लोग कितने हताश हैं, कितने डरे हुए हैं. कामारेड्डी के लोगों के पास ये मौका है कि वो कांग्रेस और बीआरएस को ये सिखा दें कि उनकी परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति अब चलने वाली नहीं है. और मुझे विश्वास है 3 दिसंबर को यहां जनता केसीआर को भी सत्ता से हटा करके रहेगी. मैं आपको याद दिलाता हूं, केसीआर ने अपनी राजनीति की शुरुआत किस पॉलिटिकल पार्टी से की थी? कांग्रेस. किस पार्टी ने उन्हें 2004 में दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया? कांग्रेस. जब तेलंगाना बना तो वो किस पार्टी के नेताओं के पास गए? कांग्रेस. कि कांग्रेस और बीआरएस कैसे एक ही सिक्के की दो बाजू है, यानी तेलंगाना में कांग्रेस को दिया हुआ हर वोट वो बीआरएस को ही मजबूत करता है. जनता को लूटने का पैटर्न भी कांग्रेस और बीआरएस का एक जैसा ही है. अगर गलती से भी तेलंगाना में कांग्रेस को घुसने दिया तो आपको बीआरएस की कार्बन कॉपी सरकार मिलेगी. बीजेपी अकेली पार्टी ऐसी है जिसे आपके बच्चों की चिंता है, आपके बच्चों के भविष्य की चिंता है, जबकि कांग्रेस और बीआरएस दोनों ही अपने परिवार के बच्चों के लिए चिंतित है. यहां पर बीआरएस की निजामशाही और कांग्रेस की सुल्तानशाही
दोनों के लिए कोई जगह नहीं है।